ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ताली के लिए जो आपने मेरे लिए बहुत कम बजाई। बस उतनी तालियों की आवाज मैंने सुनी जितने हमारे देश में ईमानदारी चल रही है। थैंक यू। बच्चे काफी मेहनत कर रहे हैं लेकिन जो तालियों का वजन मिलना था वो मेरे ख्याल से बहुत कम मिला। मैं चाहता हूँ एक बार फिर से बजाते हैं। ये चेहरा आपने कई बार देखा होगा पुलिस स्टेशन और जेल के अलावा। ईटीवी गुजराती जीटीवी गुजरात एक शरद लाफ्टर शो स्टार वन पे और आज आपके बीच आने का मुझे मौका मिला है। थैंक्स फॉर हमारे ब्रिजेश जी और राजीव जी जिसने मुझे बुलाया है। वैसे तो ये दोनों सर मोदी जी को बुलाने वाले थे लेकिन मोदी जी थोड़े व्यस्त हैं तो उसके बदले में मैं आ गया हूँ। मेरी आवाज़ वहाँ तक आ रही है क्लियर? अगर मोदी जी यहाँ पर आए होते हैं तो शायद मोदी जी कहते हैं भाई और बहनों आज मैं दिल्ली से यहां तक आया हूं सिर्फ आप लोगों के लिए। मित्रों कहते हो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज के बच्चे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। यही प्यार और आशीर्वाद है मेरा। बच्चों आपका आयु जो है वो महंगाई की तरह बढ़ता रहे, जुग जुग जियो पानी ज्यादा पियो। इसलिए तो कहता है मित्रों जल ही तो जीवन है और जीवन ही संघर्ष है। संघर्ष करते रहो अच्छे दिन आएंगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो शायद मोदी जी होते तो शायद यही कहते और कहते कि आपका जो उड़ान की जो भर रहे हैं कहते कि आज की जो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है और आप भी इस काम से लगे होते। चाहता हूँ कि आप जो काम करें उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाती है। ये ब्रिजेश जी मुझे पहली बार मुझे भाई आर्टिफिशियल मत बताओ। ब्रिजेश जी मुझे पहली बार मिले बोले आप कहाँ के हो। मैंने कहा भैया मैं शादी के बाद कहीं का नहीं हूँ। आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करो। कहते हैं कि गुजरात का ढोकला काठियावाड़ का थेपला राजस्थान की दाल बाट मद्रास की इडली मुंबई का वड़ा पाव हैदराबाद की बिरयानी बंगाल की मिठाई लेकिन सबसे भारी सूरत की भारी। आप यहाँ पर बैठे कब से बैठे हैं? बहुत अलग अलग प्रांत के लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं गुजराती हूँ केम छो हिंदी में कहते हैं कैसे हो गुजराती में कहते हैं केम छो राजस्थानी में कहते की करे वाया मराठी में कहते कसा कह पाओ मद्रासी में कहते ए प्रेरकिंग उड़ीसा में कहते कीमती अच्छा बंगाली में कहते केमो नाचे भोजपुरी में कहते कैसन बाली पंजाबी में थोड़ा की हाल है कन्नड़ में कहते चना के नेपाली में कहते कष्टो छ। ये सारे शब्दों का मिश्रण करके एक स्लोगन बनता है जिसे हम कहते हैं सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हिंदुस्तान में सबसे अच्छा गुजरात हमारा, गुजरात में सबसे अच्छा सूरत हमारा और सूरत के सूरत में सबसे अच्छे जो आप जो काम कर रहे हैं आपके लिए एक बार जो करता हूँ। कहते कि सूरत में आदमी की पहचान अपने आप हो जाती है। कैसे? रास्ते ही मिले और नाश्ता कराए पक्का सुरती चाहिला करे चालती नाश्ता करवा। कहते कि रास्ते ही मिले और नाश्ता कराए पक्का सुरती, रास्ते ही मिले और पान मावा खिलाओ काठियावाड़ी, रास्ते ही मिले और बीड़ी चाय पिलाए वो मराठी, रास्ते ही मिले और घर पे खाना खाने के लिए बुलार, घर पे ना मिले वो मारवाड़ी। या वो तो माफ करना। अभी हम लोग आजादी की जिंदगी जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। कहते कि हमने 3 साल पहले जो हमारे साथ जो घटना बनी थी अभी हमारी जिंदगी से मास्क लुप्त हो गया, ये 2000 की नोट लुप्त हो गया। तो 25 साल पहले अगर कोरोना आया होता तो आज हमारे बच्चे स्कूल में इतिहास पढ़ते होते। जैसे आप अभी कंप्यूटर चलाना जानते हो कुछ नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाते हो। तो 25 साल पहले अगर कोरोना आया होता तो हमारे बच्चे स्कूल में इतिहास पढ़ते। कैसे? कि हमारे दादी जी को ऑक्सीजन नहीं मिला था, नानी मर गई थी, बहुत भीड़ थी। तो 25 साल पहले फिल्में बनती, डायलॉग्स बनते और पढ़ते पर बहुत सारे कलाकार डायलॉग्स बोलते हुए बीच में कोरोना शब्द मिक्स करते तो कैसे डायलॉग्स बनते? जरा गौर कीजिएगा कुछ कलाकारों की आवाज़ में। पिछले 3 साल पहले की बात दोहरा रहा हूँ। जो 25 साल पहले हमारे बड़े अच्छे कलाकार जीवित थे, हमारे अमरीश पुरी साहब थे जैसे, वो अन्य कलाकार थे। तो सोचिए कि पढ़ता है, फिल्म चल रही है और अमरीश पुरी साहब की एंट्री है, डायलॉग्स के बीच में कोरोना शब्द कैसे मिक्स करेंगे?
गुप्ता जी, मैं तो कहता हूँ मरवा डालो अपनी बहू को। अरे जब अदालत के सामने मुंह खोलेगी तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अरे लोग पूछेंगे तो कह देंगे कोरोना में मर गए बिना ऑक्सीजन। वही समय में राजकुमार जी जीवित थे, अगर राजकुमार जी की कोई फिल्म आती, राजकुमार जी का कोई डायलॉग्स बनता तो राजकुमार जी कहते हैं, मिस्टर कोरोना, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। मास्क भी हमारा होगा, सैनिटाइजर भी हमारा होगा और काढ़ा भी हमारा होगा। रही बात वैक्सीन की, वो तो हम ले लेंगे। तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हारे नाम का नागरिक के और हाथ भी धो डालेंगे। अगर 15 साल पहले थोड़ा करीब लॉकडाउन जैसा माहौल होता, नाना पाटेकर की फिल्में आती और तो नाना जी कहते हैं, कोरोना सुना था देख भी लिया, अब कोई नहीं बोलेगा मैं फलाना मैं ढिमका, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, कोठी है, पहलवानी है, सब खत्म, तुम अपने घर में अपने घर, सब अपने अपने घर, लॉकडाउन अच्छा है। हमारी रियल जिंदगी में किसी ने बड़ा माफ किया था, किसी ने नहीं किया होगा, आपको पता होगा, अड़ोस पड़ोस में एक फिल्म में आपने देखा होगा हेरा फेरी, एक सीन है, बाबूराव बार बार भाड़ा मांगता अक्षय कुमार से, अगर वही सीन अगर कोरोना का होता तो बाबूराव अक्षय कुमार से कैसे भाड़ा मांगता, हे राजू तुझे माइला कुतरे हलकट, हे राजू मेरे को पिछले 3 महीने का किराया मांगता अभी वरना मर, मेरा घर खाली कर दे चल। देखो बाबू भाई आप ठीक नहीं कर रहे, बता रहा हो, एक तो काम धंधा चल नहीं रहा, ऊपर से परेशान कर रहे हो, अरे सरकार कहते है घर में रहो घर में रहो और तुम मुझे घर से निकाल रहे हो, अरे मैं कोई कोरोना नहीं हूँ जो आप दो मेरी पीछे बड़े हुए निकल जाऊंगा, एक नंबर का कमी ना हो, न किराए दूंगा न घर से निकलूंगा। थैंक यू। आइए, वैसे मुझे समय के साथ चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा परफॉर्मेंस है, लेकिन आपके बीच 2-3 ऐसी आवाजें सुनाऊंगा शायद आपको मजा आएगा। भाई इसमें थोड़ा बैटरी चेंज कर दो भाई, या कट रहा है पता नहीं, दूसरा चेंज करो। तो जैसे हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे मेहमान बैठे, हमारे मूर्ति जी भी बैठे, हमारे बेल जी हमारे अच्छे दोस्त हैं जो कभी बार मिलते रहते हैं, और आज जितने भी चेहरे हैं अच्छा लगता है, बिना विदाउट मेकअप जो हमारी बहन है बेटी है जी, बहन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में अगर कहा जाए तो क्या ब्यूटी पार्लर का मतलब क्या होता है, आज सारी बहुत सारी बहनों को मैंने देखने से पूछ ले पूछ रहा हूँ, ब्यूटी पार्लर का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, हर किसी को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं मैं बता दूंगा, अगर हिंदी में होता ब्यूटी पार्लर तो उसका मतलब होता कि नारी मुख पलट केंद्र। सही है तो ये भाई ये थोड़ा इफेक्ट डाल दो पहले, वैसा कर दो थोड़ा मुझे इफेक्ट चाहिए, मैं आपको बोलूंगा। तो आज से मतलब 10 साल पहले की बात है, थोड़ा कम करो इसे, कम करो। तो मोदी जी आए थे मेरे सामने बैठे थे और तेरी से आवाज़ सुनाई थी और कहते कि मोदी जी मेरी बात सुनकर हंसे थे, उसके बाद मोदी जी आज तक नहीं हंसे, और मोदी जी ने मुझे सुना, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है, कहते हैं कि देश में आजकल कोई किसी की नहीं सुन रहा है, अखिलेश यादव उसकी बाप की नहीं सुन रहा है, राहुल गांधी उसकी माँ की नहीं सुन रहा है, केजरीवाल की तो सुन ही नहीं रहे और मोदी जी किसी की नहीं सुन रहे। तो अगर 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ तो 10 साल पहले मोदी जी मेरे सामने बैठे थे और तेरी से आवाज़ सुनाई थी, मैंने वो आवाज़ आपको सुना रहा हूँ, कहते कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो पहली बार ट्रेन चले थे, आपने देखा होगा अभी ये फिल्म गदर एक प्रेम का था जो पहली वाली आई थी, उसके बाद एक ट्रेन आई थी फिल्म शोले, तो दोनों फिल्मों में ट्रेन दिखाई है, वो ट्रेन की आवाज़ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, कहते कि ये ट्रेन जब पटरी पर स्टार्ट होती है आवाज़ क्या होती, पटरी पर चलती आवाज़ क्या होती, जब ट्रेक चेंज करती आवाज़ क्या होती, किसी ब्रिज के ऊपर से चली जाती तो आवाज़ क्या होती, जब एक साथ
दो ट्रेनें मिलती तो आवाज क्या होती है, और एक ट्रेन जब करीब होकर दूर निकल जाती तो आवाज क्या होती है। मैं चाहता हूँ कि यही सफर करते हैं कोयले से चलने वाली ट्रेन के साथ, मैं आप और आपका प्यार सफर करते हैं ट्रेन के साथ। Thank you.
बहनों से पूछना था, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो महंगा और बढ़ा दूंगा। मोदी जी कहते अच्छे दिन आएंगे, अच्छे लग रहा है। और मोदी जी हमें हमेशा कहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अगर मोदी जी होते तो कहते हैं मित्रों देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आज कितना तारीख है, कितना है, कल कितना होगा, देश